नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। 27 मई आज का दिन रीवा के इतिहास में सुनहरे अक्षर। आज के दिन ही रीवा ने पूरी दुनिया को पहला सफेद शेर दिया। आज से 70 साल पहले 27 मई सन 1951 की यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जी हाँ, ये वही तारीख थी जिस दिन दुनिया ने अपना पहला सफेद शेर देखा था। पूरी दुनिया में आज की तारीख में जितने भी सफेद शेर हैं, वह सब इसी के वंशज हैं। आज हम आपको अतीत के उन पन्नों में ले चलते हैं और बताते हैं सफेद शेर मोहन की वो यादगार दास्तान। तत्कालीन रीवा महाराजा मार्तंड सिंह की 27 मई 1951 में सीधी जिले में जोधपुर के राजा अजीत सिंह के साथ शिकार। इसी दौरान उनकी नजर एक सफेद रंग के शेर के शव, तत्काल ही उसको पकड़ने का हुक्म दिया गया। शेर को पकड़ा गया, उसका नाम रखा गया मोहन। गोविंदगढ़ के किले में उसको पूरे राजसी अंदाज के साथ पाला पोषा गया। पूरी दुनिया में आज जितने भी सफेद शेर दिखाई देते सब मोहन के ही वंशज। दुनिया ने किस तरीके से पहले सफेद शेर को देखा, यह भी बड़ा दिलचस्प वाक्य है। उस समय के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह शिकार खेलने के लिए सीधी जिले के बरगाही जंगल में जोधपुर के तत्कालीन राजा अजीत सिंह के साथ अपना कैंप लगाए हुए थे। खिली हुई सुनहरी धूप में सुबह ने भी अपनी अंगड़ाई ली थी कि ढोर नगाड़ों की थाप से हाके की कार्रवाई शुरू की गई। जंगल से जिस ओर महाराजा बंदूक लेकर निशाना साधे बैठे थे, जानवरों को उस ओर खदेड़ा गया। इतने में शेर के 3 बच्चे निकल कर भागे। उसमें से एक जो अपने आप में बड़ा अद्भुत था, वहीं पास में एक गुफा में छिप गया। गुफा में छिपता हुआ शेर महाराजा को नजर आया तो बंदूक की नाल नीचे कर दी गई। महाराजा ने हुक्म दिया कि इसे जिंदा पकड़ना है। महाराज के हुक्म पर शेर के बच्चों को चारों तरफ से पकड़ लिया गया। महाराजा मार्तंड सिंह उस बच्चे को लेकर गोविंदगढ़ के किले आए और बड़े नाज से उसका नाम मोहन रखा गया। जी हाँ, ये वही सफेद शेर मोहन था जिसकी नस्लें पूरी दुनिया में सफेद शेर के रूप में पहचानी जाती हैं। बड़े राजसी अंदाज में मोहन को पाला पोसा गया। मोहन के लिए एक पीली शेरनी का इंतजाम भी किया गया। इतिहास गवाह है कि गोविंदगढ़ के किले में ही कई सफेद शेरों का जन्म हुआ। अतीत के पन्ने खंगालने पर हमें पता चलता है कि सन 1955 में पहली बार सामान्य बाघिन के साथ मोहन को रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई बच्चा नहीं हुआ। इतिहास बताता है कि 30 फरवरी 1958 को मोहन और राधा के 4 बच्चे हुए, जिनके नाम मोहिनी, स्वकेशी, रानी और राजा रखे गए। मोहन के 3 मादाओं के साथ कुल 34 बच्चे हुए। इतिहास के पन्नों में यह भी लिखा है कि जिसमें से 21 बच्चे सफेद शेर थे और सबसे बड़ी बात 14 बच्चे अकेले राधा के थे। रीवा के इतिहास की बात की जाए तो गोविंदगढ़ किले में 6 सितंबर 1967 को मोहन और स्वकेशी से चमेली, वही 17 नवंबर 1968 को विराट का जन्म हुआ था। 8 साल की उम्र में 8 जुलाई 1976 को गोविंदगढ़ के किले में विराट ने आखिरी सांस ली। इसी के साथ रीवा से सफेद शेरों का नाता भी खत्म हो गया। सन 1972 में स्वकेशी को दिल्ली भेज दिया गया। आपको बताते चले कि दुनिया के पहले सफेद शेर मोहन के नाम से सन 1987 में भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। साथ ही जानवरों के बीमे की शुरुआत भी मोहन से ही हुई थी। मोहन को एक बार जब दिल्ली ले जाया गया तब 2.5 लाख रुपए का बीमा किया गया था। यही नहीं, 5 दिसंबर 1960 को मोहन की वंशज मोहनी को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की विशेष मांग पर अमेरिका भेजा गया, जहां व्हाइट हाउस में उसकी विशेष आगवानी की गई। मोहन के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास,
लेकिन कुछ खास बातें जो आपको जानना चाहिए बताते हैं। उनमें से एक है, मोहन रविवार को मांस नहीं खाते थे। यही नहीं, उन्हें कोई मोहन के नाम से भी नहीं बुलाता था। बताया जाता है कि सम्मानजनक तरीके से मोहन सिंह जी बुलाया जाता था। रिवार राजघराने की ये भी परंपरा रही है कि राजा किसी की मौत पर कंधे नहीं देते थे, लेकिन बताया जाता है महाराजा मार्दन सिंह ने इस परंपरा को तोड़ा और मोहन को कंधा दिया था। आज दुर्भाग्य की बात, मोहन को जिस जगह दफनाया गया वो जगह वीरान और खंडर हो गई है। पूरी दुनिया में दो ही सफेद सिक्के थे, आगरा का ताजमहल, रीवा का सफेद शहर। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, एक शानदार यादगार। वहीं दूसरी ओर मोहन की समाधि, मोहन की मौत के बाद वहां आज तक कोई झांकने नहीं गया। अपनी बेबसी पर मोहन को जिस जगह दफनाया गया था, आंसू ही बहाए जा रहे हैं, ऐसा ही कहा जा सकता है। जो हालात मोहन की समाधि के हैं वो अपने आप में बहुत दुखदायी है। जबकि भारत की दो सफेद चीजें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक तो आगरा के ताजमहल और रीवा के सफेद शेर के रूप में भी होती है। मुमताज की समाधि ताजमहल आज शान और शौकत के साथ है, उसका कोई जवाब नहीं। जबकि मोहन की समाधि स्थल पर दो फूल चढ़ाने भी कोई नहीं आता। राज परिवार और प्रशासन ने भी उनके समाधि स्थल को कोई सुध नहीं ली। जबकि मोहन की मौत 19 दिसंबर 1969 को हुई, तब से आज तक मोहन के नाम का सबने भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन मोहन की समाधि स्थल तक कोई नहीं पहुंचा। महाराजा मार्दन सिंह जी, हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी ने सीधी के जंगलों में, बड़गड़ी में, पहला विश्व का सफेद बाघ पकड़ा। इसके पहले सफ़ेद बाघ हुए, एक दो को रखा गया, कुछ कहाँ का भी हुआ, लेकिन ये वो सफ़ेद बाघ था जो विशेष था, जिसको रखा गया और जिससे प्रजनन आरंभ हुआ। और आज जो भी विश्व में सफ़ेद बाघ हैं, वो मोहन, जो वो सफ़ेद बाघ पकड़ा गया था, उसका नाम रखा गया, उसकी प्रजाति है। ये बहुत खुशी की बात है। और इसी संदर्भ में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और वन मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार को अपने ट्विटर के माध्यम से निवेदन करा है, आदरणीय उदय मोहरकर जी को भी, जो नेशनल कमीशन के चेयरमैन हैं, कि जो हमारा दुबरी क्षेत्र है और राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम परिवर्तित करके मोहन के ऊपर अगर हम रखते हैं तो एक बहुत सही बात होगी। ये थी उसकी कहानी जिसको पूरी दुनिया मोहन के नाम से जानती है। मोहन, जी हाँ, नाम मोहन, सफेद शेर। पूरी दुनिया में आज 100 से ज्यादा सफेद शेर, वो सब के सब इसी के वंशज हैं, इसी की संतान हैं। आज रीवा में भी मोहन की याद में एक सफारी बनाई गई है, जहां पर मुकुंदपुर में सतना जिले में आता है, हालांकि वह रीवा से नज़दीक है, वहां पर सफ़ेद शेरों को ला के रखा गया है, फिर से उनके पालने पोसने सजोने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी तक जो मकसद था, वो मकसद अभी तक पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया है। मुकुंदपुर में भी सफारी बनने की एक छोटी सी कहानी है। जब मोहन को गोविंदगढ़ के किले में लाया गया, वो दूसरे दिन ही वहाँ से भागकर गोविंदगढ़ के उसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर आज सफारी, हालांकि उनको फिर से पकड़ा गया मोहन को और गोविंदगढ़ के किले में रखा गया। मोहन ने पूरी अपनी जिंदगी इसी गोविंदगढ़ के किले से काटी, जिसका नज़ारा आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने टीवी स्क्रीन पर किया था। मैं जावेद अंसारी, इलाहाबाद से शाहिद नकवी के साथ।
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।